हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू रेक क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम अब लॉगरिदम का जो एंड लॉग टेबल्स का नेक्स्ट पार्ट है वो स्टडी करेंगे। आज हम बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा कि हम एंटी लॉग टेबल्स कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, दूसरी चीज कि आपको एंटी लॉग टेबल्स देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लॉग टेबल्स देखना इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि लॉग टेबल देखने के बाद आपको कैलकुलेशन के लिए एक सिंप्लीफाइड टूल मिल जाता है, लेकिन वो टूल आपको आंसर नहीं देता है, वो एक्सपोनेंट्स देता है। हम सारे नंबर्स को 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक एक्सपोनेंट मिलता है। मींस हमने क्या किया, सपोज करिए आपको m दिया गया तो उसको हमने 10 टू द पावर x फॉर्म में लिखा, x कैलकुलेट करके। n दिया गया 10 टू द पावर y के फॉर्म में लिखा, y कैलकुलेट करके यूजिंग लॉग। ठीक, उसके बाद अगर हमें mn निकालना है तो हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर x प्लस n टू 10 टू द पावर y करते हैं, विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स, वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू। तो यहां से हमें मिल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम 10 टू द पावर x प्लस y। अब मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या फिर सॉरी एडिशन कर रहे हैं। और मान लीजिए हमें दोनों को डिवाइड करना है तो हम ये कहेंगे ये 10 टू द पावर x अपॉन 10 टू द पावर y हो जाएगा, तो ये आपका 10 टू द पावर x माइनस y हो जाएगा। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग टू ह्यूज नंबर्स, यू आर सब्सट्रैक्टिंग द एक्सपोनेंट्स करेस्पॉन्डिंग टू दोज नंबर्स। ठीक, कितना क्लियर है। अब देखिए, जब हम लॉग लेते हैं तो हमें x मिलता है, जब हम लॉग लेते हैं तो n के करेस्पॉन्डिंग y मिलता है। हमने ऑपरेशन किया, सॉल्व किया, तो हमें आंसर में क्या मिला है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। हमें 10 की वो पावर मिली हुई है जिसको हम रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन x माइनस वाई वो आंसर नहीं है। तो हमें क्या करना होता है कि एंटी लॉग टेबल्स, अब हम एंटी लॉग टेबल्स का यूज करते हैं, और एंटी लॉग टेबल्स जैसे एंटीडोट्स होते हैं ना, कि जैसे सांप ने काट लिया तो उसका एंटीडोट, कोई बीमारी होगी तो उसका एंटीडोट, कोई पॉइजन वॉइजन का एंटीडोट वगैरह होता है ना, उसी तरीके से ये लॉग टेबल्स का एंटीडोट है। मतलब लॉग टेबल लगाने के बाद हमें 10 की एक्सपोनेंट मिल चुकी है, जब हम उसका एंटीडोट लगाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, वापस ये नंबर मिलेगा। ठीक, तो लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लॉग में यूज कर लेंगे, और वापस एंटी लॉग टेबल्स का यूज तभी करना है जब आपको आपका एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करना हो। ठीक, क्लियर। एंटी लॉग टेबल्स दूसरी चीज एग्जैक्टली सेम होती है, जैसा आपका लॉग टेबल है देखने का प्रोसीजर, वैसे ही आपका एंटी लॉग टेबल्स देखने का भी प्रोसीजर है। ठीक है, इससे पहले कि हम एंटी लॉग टेबल्स स्टार्ट करें, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसको हम एक क्विक रिकैप मार लेते हैं। ठीक, ताकि याद रहे कि आप लोगों ने कहां तक पिछली बार पढ़ा था, और आज आप उससे आगे स्टार्ट करें ताकि कोई रायता ना फैले। पहले हमने आपसे सबसे पहले बताया था कि किसी भी नंबर का अगर लॉग टेबल्स के हिसाब यूज करके हम कैलकुलेशंस करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं, उसके बाद अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम एंटी लॉग लेते हैं ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए। तीनों चीजें करनी ही करनी है सॉल्व करने के लिए, या तो डायरेक्टली कर लीजिए, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं लॉग पे जा रहे हैं तो पहले लॉग लीजिए, नंबर्स आएंगे उनका सॉल्व, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जब आपके पास नंबर आ जाए फाइनल आंसर तो उसको आप एंटी लॉग लीजिए। एंटी लॉग लेने के बाद आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा। हमें 10 की एक्सपोनेंट्स नहीं रिपोर्ट करनी होती है, हमें एक्चुअल नंबर रिपोर्ट करना होता है। ठीक, चलिए, सेकेंड हमने आपको बताया था साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म हम ये कहते हैं, साइंटिफिक बोलते हैं मोस्टली, या स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये दोनों फॉर्म्स, दोनों नहीं सॉरी एक ही फॉर्म है, दोनों अलग अलग नाम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर आपको दिया हो उसको हम n इंटू 10 टू द पावर p के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर जो p है वो इंटीजर होता है, ये स्ट्रिक्टली इंटीजर ही होना चाहिए। एंड जो n होता है
वो आपका 1 से लेकर के 10 के बीच में लाई करता है। 1 के बराबर हो सकता है, 10 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 के बराबर हो गया तो ये नंबर यहां पर एक बढ़ जाएगा। ठीक, तो 10 के बराबर हमें नहीं लेना होता है। ये दो चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि पी इंटीजर ही होगा और 1 प्लस एन के बीच में लाई करेगा। उसके बाद हमने आपको तीसरी चीज बताई थी कि अगर हम इसका लॉग ले लें तो लॉग 1 टू द बेस 10 इज लेस देन और इक्वल टू लॉग n टू द बेस 10 इज लेस देन लॉग 10 टू द बेस 10। ये आपका आता है 0, ये आपका आता है, आता क्या है, ये तो यही है आपका log 10 n टू द बेस 10 और ये आपका आता है 1। मतलब log लेने के बाद इस n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपको करने, इसको निकालने के लिए। अब हम कहते हैं कि जब आपने m का log ले लिया, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, नंबर से मतलब नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं कि लॉग लेने के बाद ये 10 बेस पे लेते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ये आपका आता है p प्लस लॉग n टू द बेस 10। ये याद रखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पिछली क्लास का लेक्चर फिर से देख लीजिए। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख देता है, और इसको हम बोलते हैं मैंटीसा। ठीक, मैंटीसा आपका हमेशा पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, इसको मत भूलिएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, और कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक इंटीजर होता है। कंफर्म है, नो डाउट। अब देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया था कि लॉग टेबल देखने के लिए आपको कोई भी नंबर दिया गया तो उस नंबर को पहले आप साइंटिफिक फॉर्म में ले जाएंगे, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक अलग रखेंगे, उसके बाद लॉग कैलकुलेट करेंगे। जो यहां पर नंबर 1 टू 10 के बीच में है वो सपोज करिए आपका पी डेसिमल क्यू आर एस इस टाइप का है, 1.234 ऐसा है। तो हम कितने भी नंबर्स हों, शुरू की केवल हम 4 डिजिट्स ही कंसीडर करते हैं। 4 डिजिट्स कंसीडर करने के बाद आप डेसिमल को भूलकर इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, पहले की 2 डिजिट्स अलग, आखिरी की एक एक डिजिट अलग। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास लॉग टेबल में ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, यहां आप PQ को ढूंढते हैं, मतलब शुरू की 2 डिजिट्स, जैसे मान लीजिए 1.234 है तो 12 3 एंड 4 में बांटेंगे, 12 हम यहां ढूंढेंगे, 3 यहां ढूंढेंगे और 4 मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलती है, ये वाली, ये आपकी एक वैल्यू होगी और दूसरी ये वाली, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह हमारा लॉग की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, नंबर होता है जो हमारा लॉग होगा। उसके बाद हमें पता है कि जो मैंटीसा है एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो जो भी नंबर आएगा 4 डिजिट का उसके सबसे आगे हम डेसिमल लगा देंगे, मतलब उसको 1 से छोटा कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैंटीसा कभी निगेटिव नहीं होता है, मैंटीसा इज अ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर, वो आपका निगेटिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट, हमने आपको बताया था लॉग लिया था हम लोगों ने एक 1 से बड़े नंबर का, उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आप 1 से छोटे नंबर का लॉग लेते हैं, 1 से छोटे नंबर का लॉग लेते हैं तो वी गेट निगेटिव, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका निगेटिव होता है, और मैंटीसा जो होता है, सपोज करिए जो 1, 2, 3 इस टाइप का आया, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो आप इसको -5.1234 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। -5 में इतना ऐड करना है तो ये -4 point something जाएगा। ठीक, तो उसको आप ऐड करिएगा, सपोज करिए इसको आप ऐड कर रहे हैं, तो एक तो तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का कि आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको -5 + 0.1234। इससे रखने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको सबको ऐड करना है तो निगेटिव को अलग ऐड कर लिया, पॉजिटिव को अलग ऐड कर लिया, और रिजल्ट कैलकुलेट करते जब फाइनल जब हमें एंटीलॉग लेना होगा तब हम इन सबको जोड़ देंगे। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि आप 5 के ऊपर बार लगा दीजिए और डेसिमल में 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, इसका मतलब होता है कि केवल यही नंबर निगेटिव है, बाकी सारा नंबर पॉजिटिव है। और तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -5 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा,
यहाँ पर आपका आएगा 9, 9, 9, 10 और ये माइनस 4, तो ये आपका आ गया 6, 6, 7 and 8 point minus 4 -4.87666. तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए, तीनों सेम ही नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंटी लॉग में हम पॉजिटिव लॉग में हम पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अलग ही रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको अगर आप अलग रखेंगे तो आपको बार बार कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। एवरी टाइम आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते जाइए, फिर वापस पॉजिटिव। जब आपको एंटी लॉग लेना होगा तो जो मेंटिसा है आपका पॉजिटिव अलग करना पड़ेगा, हम नेगेटिव मेंटिसा का एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो वापस जब आप एंटी लॉग लेंगे तो उसका पॉजिटिव वाला पोर्शन उसी में आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद एंटी लॉग टेबल्स। एंटी लॉग रिदम, ठीक, इसमें हम ये कहते हैं कि ये लॉग का एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस है, मतलब हमने लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई लिखा तो हमें रिजल्ट में जो एक्सपोनेंट आता है वो मिलता है। एंटी लॉग लेने के बाद हमें दूसरा जो 10 की पावर में एक्स है, जो वाई होता है ना आपका, वो नंबर मिल जाता है। जैसे लॉग बी टू द बेस ए आपने लिखा, आपने लिखा लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो हम ये कहेंगे कि एंटी लॉग लेने के बाद ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ये मिल जाता है, हमें b चाहिए होता है और वो b हमें मिल जाता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इफ log ऑफ x टू द बेस a, नोट कर लीजिएगा, इज इक्वल टू y, तो ये आपको इक्विवेलेंटली लिखा जा सकता है a टू द पावर y इज इक्वल टू x, a टू द पावर y इज इक्वल टू x। बेसिकली लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं कि x इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ y टू द बेस a। ये टर्म याद रखिए, अगर कभी आपको ऐसा दिया गया कि x इज कॉल्ड x इज एंटी लॉग ऑफ y टू बेस a, इसका मतलब है कि a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिएगा। f अगर आपको लिखा गया कि सपोज करिए, जैसे ये लिख दिया गया कि b इज एंटी लॉग ऑफ से c टू बेस p, कुछ भी लिखा हुआ है, तो a b इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ c टू बेस p, तो बेस में क्या आया p, एंटी लॉग किसका लिया c का, मिलना क्या चाहिए b, किसका एंटी लॉग ले रहे हैं y का, बेस क्या है a, तो a टू द पावर y होगा x के बराबर, b किसका एंटी लॉग हुआ c का, बेस क्या है p, तो p बेस का अगर हम c पावर पे एंटी लॉग लेंगे तो रिजल्ट b मिल जाएगा। ये लिखना सीख लीजिएगा, बेस p है, किसका एंटीलॉग लिया c का, वो एक्सपोनेंट में गया, रिजल्ट क्या मिला b, ऑब्वियस देख के लग रहा है ना कि b इज कॉल्ड एंटीलॉग, एंटीलॉग लेने के बाद हमें b मिल रहा है, तो ये आपका एंटीलॉग का डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, आलस मत करिए, आलस करना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंटी लॉग्स कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर चलिए पहले हम आपको एंटी लॉग लिखना सिखवा देते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एंटी लॉग फाइंड एंटी लॉग ऑफ 3 to base 2, एंटी लॉग ऑफ 3 to base 2, ठीक, तो एंटी लॉग लेना किसका है 3 का, बेस क्या है 2, तो 2 cube is equal to 8। सेकेंड, फाइंड एंटी लॉग ऑफ से 2 to base 3, तो किसका एंटी लॉग लेना है 2 का, बेस क्या है 3, तो 3 बेस में है, पावर में 2 गया, कितना आया
9, ठीक, एंटी लॉग लिखना आपको आना चाहिए। आप लोग ऐसे बहुत सारे नंबर्स को लिख लीजिएगा अपने हिसाब से और एंटी लॉग कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पे एक फ्रेश क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि प्योरली एंटी लॉग पे बेस्ड है। आप जब लॉग कैलकुलेट करते हैं, सपोज करिए आपने लॉग कैलकुलेट किया, कोई क्वेश्चन दिया गया, आपने लॉग ले लिया, कैलकुलेट कर लिया और रिजल्ट ले आए। रिजल्ट लाने के बाद आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी, लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू दिस। आपको एक्स चाहिए होता है, हमें लॉग की वैल्यू नहीं चाहिए होती है। आंसर में हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक्स की वो नंबर चाहिए होता है जो सॉल्व करने के बाद आया है आपके पास, ठीक। अब क्या होता है कि इसको निकालने के लिए, इस एक्स को निकालने के लिए हमें एंटी लॉग लेना होता है। मतलब जैसे एंटी का मतलब क्या है, जैसे एक्स है तो इसको कैंसिल करना है तो हम क्या करते हैं, 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरीके से लॉग को कैंसिल करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो एंटी लॉग ऑफ लॉग इज एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने से पहले, बिफोर वी हॉप ऑन टू द एंटी लॉग टेबल्स, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखिए, आपको निकालना है लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3.8714। इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू, या फिर अभी यहीं कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में जोड़ने का टाइम कोई फायदा नहीं है। तो ये आपका आएगा, विच इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आएगा 10^3.8714, विच इंप्लाइज दैट, यही हमको निकालना है, x इज इक्वल टू 10^3 प्लस 0.8714। ये आ गया आपका, तो यहां से आपको x मिला, पावर एडिशन में होती है तो नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आपका आएगा 10^3 मल्टीप्लाइड बाय 10^0.8714। ये जो नंबर है आपका, ये एंटी लॉग टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास हर पावर के नंबर की लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल्स नहीं अवेलेबल हैं, केवल 0 से 1 के बीच में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना उसकी, क्योंकि जो एक्सपोनेंट 1 हो गया वो तो एक 0 हो जाता है ना, एक 0 बढ़ जाएगा नंबर में, 10^1 हो गया तो उसको अलग कर लीजिए। हम केवल ये जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, जो कि आपका मैंटीसा होता है, जो कि आपका मैंटीसा होता है, उसको हम अलग करते हैं। हम कहते हैं कि मैंटीसा इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है उसका पॉजिटिव फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर लीजिए। जब आप पॉजिटिव फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर लेंगे तो उसके बाद आप एंटी लॉग ले सकते हैं। हम एंटी लॉग केवल मैंटीसा का लेते हैं। किसका? मैंटीसा का। ध्यान रखिएगा, केवल हमें एंटी लॉग मैंटीसा का लेना होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ध्यान से देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो हमने इसमें से पॉजिटिव फ्रैक्शन हटा लिया, जो इंटीजर बचा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें दिक्कत नहीं करता है, बिकॉज इट स्ट्रेट अवे गोज इनटू द एक्सपोनेंट ऑफ 10 और वो उतने जीरोस उस नंबर के पीछे आगे जोड़ देगा, ठीक। उतने 10 की उतनी पावर से आप डिवाइड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट पार्ट टू डू। द मेन प्रॉब्लम इज 10^0.8714, ये कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए हम एंटी लॉग टेबल्स का यूज करते हैं। किसका? यूज एंटी लॉग। ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू आपको एंटी लॉग टेबल से मिलेगी, लेकिन इसके पहले आपको इतने तक पहुंचना होगा, ये नंबर आपका लॉग एंटी लॉग टेबल से ही मिलेगा। तो उसके लिए भी हम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। उसके पहले, बिफोर वी हॉप ऑन, हम आपको एंटी लॉग टेबल्स का एक सैंपल दिखा देते हैं। देखिए, ये होती है आपकी एंटी लॉग टेबल्स, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी फोकस इट ऑन दिस। तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो एंटी लॉग टेबल्स हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा है एंटी लॉगरिथम और फर्स्ट रो जो है उस पर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यहां देखिए, ये 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद साइड में आपका मीन डिफरेंस लिखा हुआ है,
ठीक, मीन डिफरेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस साइड आप देखेंगे कि 0.000 से लेकर के नीचे तक आपको 40.49 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, और उसके पीछे आप जाएंगे तो आपको 0.50 से लेकर के 0.99 तक के सारे नंबर्स लिखे होंगे। तो ये पहला कॉलम और ये जो ऊपर वाली सबसे पहली रो है ये अलग कलर से डिनोटेड होती है। वीडियो पॉज करके लॉक टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा, लेट मी फोकस इट अगेन अदरवाइज बोर्ड नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक, चलिए तो अब क्या है कि अब एंटी लॉक टेबल्स का कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, उसमें आपके पास एक वर्टिकल कॉलम होता है पहला वाला और एक हॉरिजॉन्टल रो होती है सबसे ऊपर वाली। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया होता है। यहां पर आपका मीन डिफरेंस, देखिए लिखा हो चाहे ना हो ये नाम होता है, मीन डिफरेंस की वैल्यू यहां पर देखी जाती है। यहां पर आपको खाली रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता है। यहां पर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 9 तक के नंबर्स होते हैं, फिर वापस 1, 2, 3, 4 यहां पर भी 9 तक नंबर्स होते हैं। यहां पर जो नंबर्स लिखे हैं वो ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि जो पॉइंट ये वाले नंबर्स होते हैं ये 0.00 से स्टार्ट होते हैं, 0.00, ठीक, 0.00 से स्टार्ट होते हैं और 0.01, 0.02 अगर ये नहीं भी है पॉइंट में ऊपर एंटी लॉक टेबल लिखा हुआ, जरूरी नहीं है, यहां दो डिजिट्स रहेंगे 01 से लेकर के 99 तक, अगर इसमें डेसिमल नहीं भी है तो ये मत कहिएगा कि एंटी लॉक टेबल्स आपको गलत दे दी गई। कुछ लोग इसको डेसिमल के साथ लिखते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ जो मैंटीसा होता है एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है तो ये डेसिमल्स में लिख दिया जाता है। अगर डेसिमल्स में नहीं भी लिखा है तो हमें केवल इन चार नंबर्स को ढूंढना होता है, यू हैव टू फाइंड ओनली दीज फोर नंबर्स। ठीक, एंटी लॉक टेबल्स इस वीडियो के अटैचमेंट में अवेलेबल है या हमारी जो रे क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन लॉग इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपके पास लॉग टेबल होनी ही चाहिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, सामने खोल के रखिएगा तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली देखा क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। ठीक, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप देख लिया अच्छा ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है तो फिर ये वो ही होता रहता है, आंसर नहीं आता है। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर का हमें एंटी लॉग देखना है, इसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसकी है, इसकी है, इसकी हम इसका हमें एंटी लॉग लेना है। तो इसका अगर एंटी लॉग लेना है तो हम इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं। ठीक, सॉरी 8714 है, अभी गलत वैल्यू आ जाती, क्वेश्चन सही कॉपी करना है। ठीक, क्वेश्चन तो आने गलत, अगर आप पॉइंट भी रखते हैं कोई गलती दिक्कत नहीं, यहां आपको पॉइंट में भी मिलेगा ये नंबर मिलेगा, हमें बेसिकली इन चार नंबर से मतलब होता है, ये जो 8714 लिखा हुआ ना इससे मतलब होता है। इसको वापस हम एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हमने लॉग टेबल्स में कन्वर्ट किया था, जैसे हमने लॉग टेबल्स में कन्वर्ट किया था एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, शुरू की दो डिजिट अलग, फिर बाद की दो डिजिट अलग अलग। ये जो पहला है इसको हम फर्स्ट कॉलम में ढूंढते हैं, इस कॉलम में ढूंढिए, तो इसमें आप कहीं आएंगे तो ये 0.99 तक लिखा हुआ है, बीच में कहीं आपको 0.87 दिखाई देगा। सब लोग आप लोग एंटी लॉक टेबल में देखिए 0.87 कहां मिला, यहां कहीं मिलेगा। ठीक, इसको देख लीजिए, अब इस रो को ही केवल आपको यूज करना है, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज इन दिस टेबल इज यूजलेस, केवल इस रो में ही आपको वैल्यूज मिलेंगे। अब आप नेक्स्ट नंबर 1 ढूंढिए, तो 1 तो खैर पहला ही नंबर, तो इन दोनों रोज इस कॉलम और इस रो का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा 7430 जीरो से स्टार्ट है यहां पे, ये 01, ये ध्यान रखिएगा ये 0 से स्टार्ट है, तो हमें पहला नहीं दूसरा वाला लेना है। तो 1 ये आपको गोला हो गया, यहां पर आपको मिलेगा 7430। ठीक, उसके बाद अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो मीन डिफरेंस के लिए ये वाला चौथा नंबर ले, तीसरा नंबर लेते हैं, जो चौथी डिजिट है आपकी 4, यहां पे जहां पे है वहां से एक वर्टिकल कॉलम खींच लीजिए और फोर्थ वाले पे जो इंटरसेक्शन इसी रो के साथ जो आपको मिला 87 का फोर्थ में आपका है 7, यहां पर आपको मिला 7, तो इन दोनों को आप अलग से लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो मिला क्या आपको 7430
plus 7 which is equal to 7, 4, 3 and 7. अब हमारी इंटरलॉक टेबल का काम खत्म हो गया है. अब हम इसको यहीं पे रख देते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. हमने इस एंटीलॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कितनी, लेकिन ये केवल नंबर है, ये एंटीलॉक की वैल्यू नहीं है. एंटीलॉक की वैल्यू नहीं है. अभी हम 2 मिनट बाद आपको बताएंगे कि क्यों हम ये कर रहे हैं, पर अभी आप ये समझ लीजिए जगह कम है. ये नंबर आपको 1 से 10 के बीच में लेके आना है. 1 से 10 के, या अभी बता ही देते हैं, अभी समझ लीजिए. इस एंटीलॉक टेबल को जब आपने देख लिया तो उसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं. ठीक, इस नंबर को नोट कर लीजिए, यही आपका इंपॉर्टेंट नंबर है बस. अब देखिए हमें निकालना क्या है, 10^0.8714 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है. ये बताइए 10^0 क्या होता है, 1. इसकी वैल्यू 10^0.8714 की वैल्यू 10^0 से बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी, क्योंकि पावर आपने बढ़ा दी है. और इसकी वैल्यू 10^1 से कम होगी. ठीक, अग्री. तो ये बेसिकली उसी का रिवर्स प्रूफ है, जब हमने आपसे कहा था कि मैंटिसा 0 से 1 लाई करता है, उसी का रिवर्स है कि अगर आपका नंबर 1 to 10 लाई कर रहा था तो मैंटिसा कहां लाई किया, 0 से 1. तो मैंटिसा अगर 0 से 1 लाई कर रहा है तो नंबर कहां से कहां लाई कर रहा होगा, 1 to 10. तो इसका मतलब 1 is less than 10^0.8714 इज लेस देन 10. तो ये नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1 से 10 के बीच में. तो डेसिमल कहां लगाएंगे, 7.437. ठीक, डेसिमल कहां लगा, 1 से 10 के बीच में नंबर कैसे आएगा, डेसिमल कहां है यही ढूंढना है. तो डेसिमल हम एक डिजिट छोड़ के लगा देंगे. ठीक, अगर 0 आपके आंसर में आता है एंटीलॉक टेबल्स देख के, जैसे आप ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में आपको 1001002, तो इन 0s को इग्नोर नहीं करना है. ठीक, इनको रखिएगा. अब आते हैं अपने आंसर पे. हमने इसका एंटीलॉक कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आया आपका, x इज इक्वल टू 10^3 मल्टीप्लाइड बाई 10^0.8714. उसकी वैल्यू कितनी है, 7.437. तो ये कितना आया x की वैल्यू, x आपका आ गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ गया 7, 4, 3 and 7. यही आपका आंसर है. log x to the base 10 अगर इतना है तो x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, 7437. ठीक, क्वेश्चन समझ में आया. अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके. अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर हमने रैंडमली नहीं चूज किया है एंटीलॉग कैलकुलेट करने के लिए, ये नंबर हमने स्पेसिफिकली कैलकुलेट किया है, सॉरी कुछ स्पेशल कारणों से चूज किया है. ये वही नंबर है जिसका हम लोगों ने पिछली क्लास में लॉग कैलकुलेट किया था. हमने पहले आपको एक नंबर दिया था, 7, 4 नंबर था आपका, 7436.43. इस नंबर का हमने आपसे लॉग कैलकुलेट करवाया था, तो आया था कि लॉग ऑफ 7436.43 इज इक्वल टू 3.8714. यही नंबर आज हमने लिया एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए कि जो लॉग लेके हमें नंबर मिलता है, एंटी लॉग लेने के बाद हमें अपना वापस नंबर ही मिल जाता है. तो ये भी हमने आपको कल बताया था कि क्योंकि हम कुछ डिजिट्स छोड़ देते हैं तो इसके लिए हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आता है, बट बहुत ज्यादा हेवायर नहीं आ जाता है. द आंसर इज remains very close to the actual answer, but since the numbers are very big, बहुत बड़े बड़े numbers होते हैं, तो ये थोड़े बहुत differences आप ignore कर सकते हैं. ठीक, तो ये number हमने लिया था 7436.43, और anti-log calculate करने के बाद क्या number मिला, 7437. compare कर लीजिए, ऑलमोस्ट सेम नंबर मिला है, 7436.5 है, 7437 मिल गया. कितना, 0.67 का डिफरेंस है, 0.57 का, सॉरी. तो लॉग लेके हमें ये पावर मिली थी.
अब इस पावर को हमने जब वापस एंटी लॉग लिया तो हमें नंबर मिल गया। ये हमने साबित कर लिया कि एंटी लॉग आपका एग्जैक्टली लॉग का रिवर्स प्रोसेस है। एंटी लॉग लॉग का एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है। हम बोर्ड से हट जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के डाउट पूछिए या हमारी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे जाइए, वहां आप चैट बॉक्स में डाउट्स पूछिए, उसके हम लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पे फ्रेश क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये एक दूसरे मतलब एक हमने पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग कैलकुलेट किया, अब हम एक निगेटिव नंबर का एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे। कल हम लोगों ने दो क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि एक नंबर वन से बड़ा था जिसका लॉग पॉजिटिव आया था और एक नंबर वन से छोटा था जिसका कि एंटीलॉग लॉग निगेटिव आया था। तो आज हमने एक पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग कैलकुलेट कर लिया, अब हम एक निगेटिव नंबर का भी एंटीलॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंटीलॉग निकालने के बाद आप क्वाइट कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एंटीलॉग आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटी लॉग में जो आपको लॉग टेबल लॉग में याद रखना है वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक, ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हम बार बार अगर किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मन कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज एन इंटीजर। हम बार बार किसी चीज को इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। ये चीजें रियली इंपॉर्टेंट है। और जो मेंटिसा है आपका वो आपका एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक, इसमें कभी गलती मत करिएगा। इसमें गलती की तुरंत जीरो बटा सन्नाटा मिल जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल, नेवर कंसिडर निगेटिव मेंटिसा। मेंटिसा आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ना ही कभी वन से बड़ा हो सकता है, ये जीरो से वन के बीच में ही लाई करेगा। अब देखिए हमें निकालना है इसका लॉग, ठीक, इसका एंटी लॉग। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एंटी लॉग लेना है, लेकिन ये बताइए क्या हमारे पास मेंटिसा अवेलेबल है? नहीं, मेंटिसा अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहीं से इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू 10 to the power -4.6097, स्ट्रेट अवे कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम आगे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 10 to the power -4 + 6.097, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। माइनस फोर से और छोटा नंबर है ना, ये तो आपने उसको बड़ा कर दिया। ये नंबर आपका -4 -6097 है, 0.6097 है, ठीक। ये आपका पॉजिटिव मेंटिसा तो बना नहीं, तो बेसिकली एक्स क्या बना आपका, एक्स इज इक्वल टू 10 to the power -4 × 10 to the power -0.6097। इसके लिए हमारा एंटी लॉग टेबल नहीं डिफाइंड है। लॉग टेबल में आप देखिए पहले कॉलम में कोई वैल्यू निगेटिव है? नहीं, सब वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इसका हम एंटी लॉग नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें +1 - 1 कर दीजिए। ये जो +1 है ये इसमें चला जाएगा और -1 इसके साथ चला जाएगा। हम इसको अलग से ऐसे करवाते हैं आपको। इसको हम लिखेंगे 10 to the power -4 - 0.6097 + 1 - 1, ये लिख दिया। वैल्यू अभी भी सेम है, कोई अंतर नहीं, +1 - 1 कट जाएगा। ये सिंपल है बेटा, देखिए बेसिकली आप इसको सीधे 1 से सब्ट्रैक्ट करके इसको 1 बढ़ा दीजिए, वो भी है, लेकिन फॉर स्टार्टिंग पर्पजेस हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको पॉजिटिव करने के लिए +1 - 1 कर दीजिए। अगर आप एक साथ डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर लीजिए। तो ये 10 to the power -4 निगेटिव एक साथ लाइए, ले जाइए इंटीजर्स, तो ये -4 - 1 - 5, और इस 1 में से इसको घटा दीजिए, तो 1 में से जब इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 9 9 9 10, तो ये आएगा 3, ये 0, ये 9 और ये 3, 0.3903।
इसको आप ऐड करके देख लीजिए, यही नंबर आएगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिए, यही नंबर आएगा। अब हमें इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 0.3903। अब ये एक पॉजिटिव नंबर बन चुका है, ये आपका पॉजिटिव मेंटिसा है, ये आपका पॉजिटिव मेंटिसा है। इसको हम मेंटिसा मान के एंटीलॉक में इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो अब आप एंटीलॉक टेबल्स उठा लीजिए, उसमें आप इस कॉलम में ढूंढिए, कैसे 3903 है आपका, 3 9 को अलग करिए, 0 को अलग करिए, ठीक है, इसमें आप ढूंढेंगे 0.39, यहां आप ढूंढेंगे 0 1 2 0 3, ऐसे करते करते 9 तक के नंबर हैं, और यहां आपका 1 2 3 4 करके 9 तक नंबर है। तो यहां का 3 ले लीजिए, यहां का 0 ले लीजिए, और यहां का 39। इस रो में इस 0 के करेस्पॉन्डिंग जो नंबर है इसको नोट कर लीजिए। लेट मी सी द लॉग टेबल्स। तो बच्चों अब एंटी लॉग टेबल्स उठा लीजिए और आप इनको देखना स्टार्ट करिए। 0.39 आपको कहां मिलेगा, पहले कॉलम में। तो 0.39 आपका है, तो 0.39 आपको दिया 2455, गलत नंबर मत देखिएगा, 2455। उसके बाद आप उसी रो में आगे बढ़ते जाइए और जहां पर 3 है उसके नीचे वाला नंबर नोट कर लीजिए +2। इन दोनों को ऐड करके आपको कितना मिला है, 2457। 2457। अब लॉग टेबल का काम खत्म हो चुका है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आपका पेंटिसा 0 से 1 के बीच में है तो एंटीलॉग लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहां लाई करेगी, 1 से 10 के बीच में। तो डेसिमल कहां लगेगा, 2.457। तो ये आपका जो x है वो बना x इज इक्वल टू 2.457 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इस 10 टू द पावर माइनस 5 को यहां रखेंगे तो डेसिमल कितने प्लेसेज आगे चला जाएगा, 5 प्लेस। तो ये आपका आएगा 0.00000। ये तो 4 जीरो के हो गए और एक ये 2 का, 2457। अब आप ध्यान से देखिए, ये रैंडम नंबर नहीं है, ये वही नंबर है जिसका हमने कल एक दूसरे नंबर का लॉग लिया था। एक दूसरा नंबर था, वो नंबर हम आपको लिखवा देते हैं। वो नंबर था आपका 0.00002456। नंबर था आपका 0.00002456। देखिए ये नंबर हमारा एक्चुअल नंबर था, हमने लॉग लिया, थोड़े अप्रोक्सीमेशंस हुए, उसके बाद हमने एंटी लॉग लिया और नंबर लेके आया 2.00457। क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? क्या ये दोनों नंबर्स सेम हैं? यस, अप्रोक्सीमेट। देखिए 0.56 और 5, इतने डेसिमल के बाद इस 6 को 7 कर दीजिए, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो अगर नंबर्स और बड़े होंगे तो ये डिफरेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है और कैलकुलेट करने के बाद हमें एग्जैक्टली सेम आंसर मिल जाता है। ठीक, हमने लॉग टेबल्स के दो एग्जांपल्स कर लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग पे बेस्ड, एंटी लॉग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा होगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज मेड लाइफ। ठीक, और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको रिस्पेक्टिव बैचेज में आपको स्पेशलाइज्ड जो हमारे मटेरियल्स हैं वो मिलेंगे। वहां बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उनको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सी इन नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लॉग का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद वी विल कंक्लूड द चैप्टर लॉगरिथम। थैंक यू।